हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और ये सुबह सुबह हो गई है मॉर्निंग, जब हम लोग सुबह उठते हैं तभी से दिमाग में शुरू हो जाता है कि अब ये काम करना है, वो काम करना है। तो सुबह आज मैं सोच रही थी किचन साफ कर लेती हूँ, नीचे के डोर जो हैं, ऊपर के भी करने हैं, पर ऊपर के मैंने सोचा चलो बाद में कर लूँगी, आज पहले नीचे का कर लेती हूँ। जब कुछ दिन हो जाता है, सामान इधर उधर हम रखते उठाते तो सही सही है, पर तब भी थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है और कुछ गंदा भी हो जाता है। तो नीचे की जो फ्लोर है वो भी साफ करके, और जो पानी में मैं फिनाइल वगैरह पोछा लगाती हूँ उस कपड़े से, मतलब नीचे पोंछ दिया है। और नीचे पोंछने के बाद और जितने भी सामान है उन पे डस्ट वगैरह थोड़ी बहुत जो जम जाती है या गंदा हो जाता है तो उसको निकाल के उसको अच्छे से साफ करके और फिर सारे सामान लगा दूंगी, तो कुछ दिन के लिए फिर सही हो जाएगा। वैसे तो आटे चावल जब मेरी टंकियाँ जैसे खाली होती हैं तब मैं उनको उस टाइम पे धुल लेती हूँ और धुल के सुखा के फिर से भरती हूँ, तो उसे अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा बना रहता है। और ये कुछ कुछ दिन पे ये सारे काम हम लोग के होते रहते हैं। अभी इस टाइम पे मतलब सुबह हम लोग को टाइम मिल जाता है, क्योंकि जब बच्चों के स्कूल जब तक नहीं खुल रहे हैं, अगर हम सुबह टाइम से उठते हैं तो हो जाता है टाइम साफ़ करने का सुबह। और जहाँ स्कूल इन लोग के खुल गए तब तो सुबह उठने के बाद जल्दी जल्दी इन लोग के टिफिन, स्कूल भेजने की मतलब तैयारी, सारे काम सुबह उस समय, फिर ये सारे काम बाद में ही होंगे। और वैसे भी मैं मेरे मतलब मन का होता है, कभी मैं सुबह में कर लेती हूँ, कभी यही काम दोपहर जब टाइम मिलता है उस टाइम में। अपने घर के काम हैं, हम कभी भी किसी भी टाइम पर कर सकते हैं, क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक मतलब कोई रोकने वाला नहीं, हमारा घर है, हम किसी भी टाइम में साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो मैंने बस सुबह मैंने सोचा चलो आज सुबह ही कर लेती हूँ शांति में ही। तो बस उसके बाद इस वाले में सारे सामान, ये कैंटीन का सामान मैं इधर लगाती हूँ इसके अंदर में, तो उस सारा सामान जो है वो निकाल के और फिर उसको भी साफ़ करके अच्छे से पोंछ के इस पानी में फिनाइल वाले से, सब थोड़ा सा रहता है ना, साफ़ हो जाता है, जम्स वगैरह का भी ये भी नहीं रहता, तो बस उसको साफ़ कर लूँगी। और ये भी पता चल जाता है कि हमारे कौन से सामान मतलब ख़त्म होने वाले हैं, कौन से हैं ज़्यादा बचे हैं, मतलब हम कुछ दिन में रखते उठाते रहते हैं तो ये भी पता चल जाता है। तो बस किचन का मैंने नीचे का सारे ही साफ़ कर लिया था, उसके बाद डस्टबिन किचन की जैसे कूड़े वाली रहती है वो साफ़ कर ली है सुबह, कभी कभी शाम को भी साफ़ कर लेती हूँ या सुबह, और ये बड़ी वाली में डाल के रख देती हूँ, फिर बड़ी वाली भी किसी टाइम में कूड़ा डालने के बाद धुल लेती हूँ। और ये सब्जी फ्रूट वगैरह शाम को ले आए थे तो उसको धुल के लगा रखा था, तो ये भी जब इनके पास टाइम रहता है, इनको देर से जाना रहता है ड्यूटी, तो ये भी साथ में मेरे हेल्प करा लेते हैं, उठ जाते हैं। इनकी भी बहुत देर तक सोने की आदत नहीं है, अगर मैं उठती हूँ तो मेरे बाद ही, ये भी इनको चाय पानी दिया तो ये भी उठ जाते हैं और बस ये हेल्प करा देंगे तो जल्दी हो जाएगा मेरा काम। उसके बाद फिर इनको नाश्ता वगैरह दूंगी जल्दी बना के, फिर इस ड्यूटी जाएंगे। तो आज मैंने रूम की भी थोड़ी सेटिंग इधर उधर कर रही हूँ, जो फ्रूट की बास्केट आप लोग देखते होंगे मेरे बेड के उस तरफ अलमारी के नीचे लगी हुई है, ये वाली बास्केट मैं इस तरफ रखूँगी पैर की तरफ में, और ये जो स्टैंड सा है ये इसको रखूँगी मैं उस तरफ जिधर अलमारी है, क्योंकि इधर जब कभी रात में कोई सामान वगैरह रखना होता है मुझे और ये फ्रूट वगैरह रखे रहते हैं तो मतलब थोड़ा सा चेंज करने का कभी कभी मूड होता है ना कि ये सामान इधर रखो और वो सामान उधर रखो, तो बस मैंने सुबह सुबह इनके साथ में लग के, ये हैं इनके पास टाइम है तो ये रखवा उठा देंगे। और बेड के नीचे भी मैं कुछ सामान जैसे लगाती हूँ, जानती हैं घर में कितने सारे सामान होते हैं, तो कुछ सामान तो मेरी आदत है कि कुछ कुछ हफ्ते में, मतलब हफ्ते दो चार दस छः दिन में, ऐसे ज़्यादा सामान नहीं रहता, थोड़ा बहुत है तो उसको निकाल के और नीचे की भी सफाई करती रहती हूँ, नहीं तो गंदा हो जाता है। डेली तो नहीं, मतलब कुछ कुछ दिन पे उसको भी निकाल के सारे सामान झाड़ू लगा के साफ़ कर दूँगी। और ये जितना भी मतलब डस्ट वगैरह, तो सुबह ये सारे सफाई करके बिस्तर वगैरह सब झाड़ झूड़ के तब ये सारे काम हो जाएंगे। तो बस आज दिखाने में आप लोग को बस थोड़ा 5 मिनट का लगता है, 2-4 मिनट का, लेकिन यही सब काम करने में ही, एक एक चीज़ की सफाई करने में ही घंटों लग जाते हैं, घंटे दो घंटे, और उसके बाद फिर सारा काम यहाँ दीक्षा उठ के आ गई है। तो बस बोल रही कि मम्मी क्या सुबह सुबह ये सब क्या हो रहा है, तो कभी कभी, और इसके पैर की जो प्रॉब्लम थी वो दर्द हो रहा है, तो वही दिखा रही मम्मी, ये दर्द पैर में दर्द हो रहा है इसको,
तो मैंने कहा चलो दिखाने के लिए फिर किसी दिन जाना ही है। और उसके बाद फिर नहाना धोना हुआ, सुबह के नाश्ता, कई बार ये होता है वही चीज़ें बार बार दिखाने में अच्छा नहीं लगता, और कभी कभी जल्दी होती है तो जल्दी के समय में हम वीडियो नहीं बना पाते हैं कि लेट हो जाता है, वीडियो में थोड़ा टाइम लगता है तो ऐसे में फिर नहीं बन पाता है। तो सुबह सुबह बस हो गया सारा, मतलब नाश्ता खाना सब हो गया है। और उसके बाद ये जैसे अचार के डिब्बे थे, मैंने जब किचन साफ़ किया तो देखा कि जो अचार जिसमें कम रख बचा हुआ था, मैंने 4 डिब्बे अचार के बना रखे थे। गर्मियों में जब आम का अचार बनता है तो ये बच्चों को बहुत पसंद है आम का अचार, तो 4 डिब्बे तो कुछ कम मतलब बचे थे, जिसको जिस डिब्बे से मन करता था, पसंद आता था, उसके अचार निकालते थे मतलब भर के डिब्बे में। तो ऐसे ही मैंने 2 डिब्बे खाली कर लिए पलट के और 2 डिब्बे में रख दिया अचार को, और इनको धुल के सुखा लूँगी। तो कभी कभी डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी तो धुले सूखे रखे रहेंगे, तो गर्म पानी करके बस इनको धुल लिया है। उसके बाद ये शाम का है, शाम के टाइम में बस हम लोग ये जा रहे हैं मार्केट, मार्केट में कुछ काम था, लेना था कुछ सामान, और उसके बाद चक्की पे जाना है। तो चक्की पे ही जाके वहाँ से आटा और तेल हम वहीं से लेके आते हैं। फ़ोन से जो हाथ फोन रेस निकलती है उनसे मुझे मतलब डर लगता है, बच्चे ज़्यादा फ़ोन के पास लगे रहते हैं तो फ़ोन लिए रहते हैं। लेकिन आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, हर काम ऑनलाइन क्लास, मतलब पूरे टाइम फ़ोन में ही सारा काम होता है, तो इसलिए फ़ोन के बिना काम भी नहीं चलता है। और लेकिन करें तो क्या करें, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। समझाती रहती हूँ मैं इन लोग को कि ज़्यादा टाइम फ़ोन मत चलाओ। तो यहाँ पे बस ये तेल वगैरह सब, आटे की मतलब चक्की है, मसाले वगैरह भी सब कुछ ये पीसते हैं, सामने ही मतलब पीस के भी देते हैं, तो एक विश्वास रहता है आदमी सामने देख के लेने से थोड़ी तसल्ली होती। तो ये भी अपने हाथ ही मतलब देख रहे हैं गेहूँ, ये सामने ही पीस के देते हैं, तो बस चक्की चल रही है और इस तरह से देखिए आटा नीचे से कैसे निकल रहा है। तो तेल और आटा हमेशा का हमारे लोग का यही है, थोड़ी दूर पे है हमारे घर से ये चक्की, गांव में पड़ती है, तो हम लोग वहाँ जाके, कोई बताया था तो हम लोग को बस वहाँ जाके लेके आते हैं। और यहाँ पे हर तरह का आटा ये लोग पीस के रखे रहते हैं, मक्के का, बेसन रहता, चने का, और मतलब चावल का भी आटा, सब तरह तरह का पीस के रखे रहते हैं। तो जब भी मेरा कोई मन होता है तो मैं यहीं से जाती हूँ, तो उस टाइम पे लेके आ जाती हूँ कुछ भी बनाना होता है। और बस यही मैं देख रही हूँ कि कौन कौन सा आटा इन लोगों ने पीस के रखा है। और यहाँ पे बस चक्की चल रही है, तो थोड़ी देर में ये दे देंगे, उसके बाद लेके हम घर आ गए, आटा तेल सब कुछ जो भी ख़रीदना था, सामान वगैरह जो भी मार्केट जो भी जाना था, सारे काम करके फिर आ गए थे। रात हो गई थी, उसके बाद जल्दी जल्दी से फिर खाना बनाने में लग गई थी। यहाँ पे ये मेथी और पालक दोनों साग को काटा है, और 3-4 आलू थे छोटे छोटे मीडियम साइज़ के, उनको छील काट लिया है, और 1 बैंगन था बड़ा, उसको अच्छे से देख के काट के इसमें डाल दिया था, नीचे आलू, फिर उसके ऊपर बैंगन, और उसके ऊपर ये पालक और मेथी बारीक कटे हुए साफ करके अच्छे से काट के भी इनको रख दिया है। तो 3-4 सीटी तेज, 4-5 सीटी में ही पक जाएगा, तेज ही आँच पे, एक ग्लास पानी डाल दिया था तो अच्छे से पक जाता है। तो इस तरह से ये साग बना बच्चों भी मतलब बड़े अच्छे से खाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और जब पक गया है उसके बाद यहाँ तेल डाला है कढ़ाई में, और उसमें मेथी और जीरा डाला है छौंक में, उसके बाद लहसुन और मिर्च बारीक काट के डाल दिए हैं तो सरसों के तेल में, और ये लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत टेस्टी। तो लहसुन मिर्च डालने के बाद जैसे ही वो हो गया है उसके बाद इसमें डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद बस इसमें नमक डालना होता है। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं, कोई भी सब्ज़ी आप बनाते हैं तो टमाटर डालने के बाद नमक डाल दीजिए, नमक तो हमें डालना ही होता है, तो आप थोड़ा पहले डालिए, टमाटर भी गल जाएंगे। और अच्छे से खूब इनको भूंज देना है। अगर आप मसाले खाना चाहते हैं तो मसाले भी इसमें डाल सकते हैं, पर मैं मसाला नहीं डालूंगी, सिर्फ हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें। और ये देखिए ये पालक मेथी और आलू बैंगन खूब अच्छे से ये पक चुके हैं,
तीन चार सीटी में ही बहुत जल्दी पक जाता है और जल्दी जल्दी ये सब्जी बन भी जाती है और टेस्टी भी बनती है। चावल के साथ भी आप खाइए और रोटी के साथ भी, दोनों के साथ ही, मतलब ये साग चाहे बोलिए चाहे सब्जी बोलिए, बहुत अच्छी लगती है। और बस यहाँ पे टमाटर जैसे हुआ है और उसमें डाल दी हूँ थोड़ी सी हल्दी, हल्दी डालने के बाद बस ऐसे ही डाल देना है, बड़े बड़े आलू बैंगन और पालक मेथी सब डाल दूँगी। तो इसी में चलाते चलाते भूनते भूनते जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रहता है वो उसके साथ में डाल देते हैं और इसको खूब अच्छे से मतलब मैश करते हुए भूनते रहते हैं, तेज़ ही गैस पे, कोई धीमा नहीं करना है। और आप थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही भूनते जाइए चलाते जाइए तो खूब अच्छे से ये मैश भी हो जाता है और खूब अच्छे से भून भी जाता है। बीच बीच में आप छोड़ भी सकते हैं कोई और काम कर रहे हैं लेकिन जलने ना पाए नीचे से, चलाते रहिए तो खूब अच्छे से ये सब्जी बहुत अच्छी मतलब पक जाती है, तो अच्छी लगती है, टेस्टी बन जाती है। तो बस मेरी सब्जी हो गई तैयार, अब इसको पलट लूँगी क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब हम कोई खाना बनाते हैं तो उसको तुरंत ही पलटना होता है, नहीं तो उसमें लोहा छोड़ने लगता है। तो यहाँ पे तुरंत ही पलट के, अभी कढ़ाई भी तुरंत ही धुलने से, लोहे की कढ़ाई हम जब भी कुछ बनाते हैं तुरंत ही साफ़ करते हैं तो अच्छे से साफ़ हो जाती है, मेहनत नहीं लगती है। अगर हम इसको रख देंगे बाद में धुलेंगे तब ये मेहनत लगती है इसको धुलने में। बस हो गया, उसके बाद हम लोग का खाना पीना हो गया और यहाँ पे बिस्तर सोने से पहले एक बार बिस्तर झाड़ दूंगी और ये बड़ी वाली किया मैं हटा देती हूँ तो हम लोग कुशन ही लगाते हैं। और आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि आजकल के समय में फ़ोन कितना ज़रूरी हो गया है, फ़ोन के बिना तो हम लोग का काम भी नहीं चलता। और जब से इन लोग की क्लास मतलब स्कूल बंद हुए तो फ़ोन में ही लगे रहते हैं, ऑनलाइन क्लास भी चलती है, उसके बाद गेम भी चलते हैं, मतलब कुल मिला के फ़ोन के बिना किसी का चलता ही नहीं। जैसे फ्री होते हैं सब लोग के हाथ में फ़ोन रहता है, एक फ़ोन अभी मेरे हाथ में है, मेरी भी आदत है लेकिन बच्चों को देख के बड़ा वो होता फोन है ले कि बस फोन से, क्योंकि जितने ही फायदे हैं फोन चला चला के आंखें खराब हो जाती हैं और भी कई चीज होती है जो फोन के चलाने फोन से मुझे साथ लगे बहुत मतलब कभी कभी टेंशन हो जाती है कि इन लोग की इतनी आदत खराब होगी। यहाँ देखिए ये भी फोन लेके लेटे हुए हैं खाना पीना होने के बाद, और इधर देखिए आप बच्चे भी अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, दूध लेके जा रही हूँ, सब कैसे फोन में लगे हुए हैं, सब अपना अपना फोन लेके। और तो देखिए आप लोग देख सबने दूध भी देखने लगे हुए हैं सब पीने में। तो बस हो गया सारा काम और अब सोने की है तैयारी, तो चलिए फिर सोते हैं, आप लोग भी सो जाइए, रात हो गई है, खाना पीना सारे काम हो गए हैं। और चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बाय बाय।